नमस्कार सभी को। और आज हम बात करेंगे एएफसी एशियन वुमेन्स कप के बारे में। और आज से ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और अपनी भारतीय फुटबॉल टीम इसमें आज से अपना कैंपेन जो है शुरू करेगी। और आज हमारा पहला मुकाबला ईरान की महिला फुटबॉल टीम से। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी टीम ग्रुप ए में है और हमारे ग्रुप में चीन, ईरान और चाइनीज ताइपी जैसी टीम्स हैं। और हमारा पहला मुकाबला आज शाम को 7:30 बजे होगा। और वैसे तो आप जानते हैं कि भारत इस टूर्नामेंट का होस्ट है, लेकिन इसका कोई खास फायदा हमको नहीं मिल पाएगा क्योंकि इन मैचेस में ऑडियंस अलाउ नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि कोरोना के केसेस जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए इनको बंद स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ऑडियंस अलाउ नहीं है, ये एक थोड़ा सा नुकसान हमको एज अ होस्ट मिल रहा है। और अगर ऑडियंस अलाउ होती तो हो सकता था कि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हमारी टीम का ज़्यादा बढ़ता। खैर कोई बात नहीं, आप स्टेडियम में नहीं जा सकते लेकिन घर पे तो देख ही सकते हैं। और एशिया कप के पूरे मैचेस आप यूरो स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपके पास जियो टीवी उपलब्ध हो तो आप जियो टीवी पर भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर आप इन मैचेस का मज़ा लीजिए। तो चलिए हम आज के मुकाबले पर नज़र डालते हैं जो कि है ईरान से। और आज का मैच जो 7:30 बजे खेला जाएगा, तो आप टाइम याद रखिए। और देखिए, अगर हम ईरान टीम से कंपेयर करें हमारी भारतीय फुटबॉल टीम का, तो सबसे पहले आप देखिए रैंक में, तो हमारी रैंक जो है वो 55 है और ईरान की रैंक 70 है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को मत देखिए कि रैंक इतनी है उतनी है, क्योंकि ईरान की टीम बहुत ही शानदार टीम है, इस बात को आप जान के रखिए। और अगर हम एशिया कप में टीम के रिकॉर्ड देखें, तो देखिए ये पहली बार होगा कि ईरान टीम जो है एशिया कप में आई है। और भारतीय फुटबॉल टीम तो इससे पहले भी एशिया कप खेल चुकी है और 2 बार वो रनर अप भी रह चुकी है। और ईरान और इंडिया के अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें, तो देखिए ईरान और इंडिया का मुकाबला 3 बार हुआ है, जिसमें ईरान 1 मैच जीती और 2 बार हारी है। और अगर हम रिसेंट कोई मुकाबला देखें इंडिया वर्सेज ईरान का, तो वो है 2019 में गोल्ड कप हुआ था हमारे भारत में, तो उसमें हमारी भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने ईरान की टीम को 1-0 से हराया था। और एक चीज का खामियाजा हमको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि हमारी जो मेन खिलाड़ी है बाला देवी, वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा खामियाजा हमारी टीम को है, क्योंकि एक वो स्टार खिलाड़ी है और गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड उनके बहुत अच्छे हैं, तो अगर वो होती तो एक अलग ही बात होती। लेकिन खैर अभी हमारे पास जो टीम है वो भी काफ़ी काबिल है और हम यही आशा करेंगे कि भाई बहुत शानदार परफॉर्मेंस हमारी टीम दे। और एक और चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इस टूर्नामेंट में भाई VAR का उपयोग होने वाला है, और ये शुरू के मैचेस में तो नहीं है लेकिन क्वार्टर फाइनल से VAR जो है वो टूर्नामेंट में लागू कर दिया जाएगा। तो यही कुछ अहम जानकारी थी जो मुझे ऐसा लगता है कि आज के मुकाबले से पहले आपको पता होना चाहिए। और देखिए मुझे पता है कि महिला फुटबॉल टीम के मैचेस देखने का इंटरेस्ट बहुत लोगों को नहीं आता है, ठीक है, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए आपसे एक बात कहूँगा कि ऐसा आपकी ज़िंदगी में कब कब होगा जब भारतीय महिला फुटबॉल टीम को आप ऐसे बड़े स्टेज पर खेलते हुए देखेंगे? बहुत कम ऐसा हो पाता है ना। तो जब हमको वो चीज़ मिल रही है कि हम एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में हमारी भारतीय फुटबॉल टीम को सपोर्ट कर पाएं, तो यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी कि हमको बिल्कुल करना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप पूरा 90 मिनट का मैच नहीं देख सकते, तो एटलीस्ट एक हाफ देखिए आप, है ना, या तो सेकेंड हाफ देखिए या फर्स्ट हाफ देखिए, लेकिन एटलीस्ट भारतीय महिला फुटबॉल टीम जो इतने अच्छे बड़े टूर्नामेंट पर पार्टिसिपेट कर रही है, हमारे देश का गौरव बढ़ा रही है, तो क्यों ना आप एक दर्शक के रूप में, एक फैन के रूप में उसमें अपना भागीदारी जो है वो निभाएं, है ना। बस इतने में आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप इतना काम जरूर करें, है ना, एटलीस्ट एक हाफ देखें। अगर आप पूरा मैच देख सकते हैं तो भैया तो बहुत अच्छी बात है, है ना। इससे आप ये भी जानेंगे कि एटलीस्ट हमारी भारतीय फुटबॉल टीम किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, कितना लेवल हमारी भारतीय फुटबॉल टीम का बढ़ा है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर पूरे एशिया की टीम्स है वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो हमको हमारा जो लेवल है ना वो पता चलता है। तो इसलिए मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप देखें। और याद रखिए यूरो स्पोर्ट्स चैनल पर आपको ये मैचेस देखने को मिलेंगे, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जियो टीवी पर ये सारे मैचेस देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप ये मैच देखेंगे और हमारी भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सपोर्ट करेंगे। बस इतनी मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से आज। और बाकी फिर इन मैचेस की बातें हम बिल्कुल करेंगे पूरे टूर्नामेंट में, जब तक हमारी भारतीय फुटबॉल टीम इस टूर्नामेंट में बनी रहेगी। और मैं यही आशा करूंगा कि हमारी टीम जो है इस टूर्नामेंट में बहुत आगे तक जाए, और आप इसी तरह हमारी टीम का सपोर्ट करते रहिएगा और भारतीय फुटबॉल को भी आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।